नमस्कार साथियों, नारायण आईटीआई जयपुर में आप क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक है वैद्युतिक मापक यंत्र। इसमें अभी तक हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर देखो, मल्टीमीटर जो होता है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मल्टीमीटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा इसकी कार्य प्रणाली जो होती है वो किस प्रकार की होती है, इसकी सुग्रहिता जो रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, ठीक है, इसके अलावा जब इसकी संरचना बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, तो उस समय अपने को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं इसके अन्य नामों की। अन्य नाम तो देखो, मल्टीमीटर जो होता है उसको AVO मीटर के नाम से भी जाना जाता है, AVO मीटर। इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुमापी मीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब AVO की मैं बात करूं, AVO का मतलब देखो, A का मतलब करंट जो आती है, ठीक है, वो करंट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है I, और इसका मात्रक जो होता है ये तो गया इसका प्रतीक, और इसके अगर मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक होता है इसका एम्पियर, ठीक है। अब इसके प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूं तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है ए। तो ये ए जो है उसको रिप्रेजेंट करता है अपना ये। इसका मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि इस यंत्र के द्वारा करंट की गणना की जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें वी, कि वी का मतलब क्या होता है, तो देखो वी का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह यह होता है, और इसके मात्रक की यदि मैं बात करूं, मात्रक होता है इसका वोल्ट, ठीक है, और इसके प्रतीक चिन्ह की यदि मैं बात करूं तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है वी, ठीक है। तो मल्टीमीटर जो होता है उसके द्वारा करंट की गणना और वोल्टेज की गणना की जाती है। इसके अलावा इसमें एक अल्फाबेट और रह गया, तो यह है अपना ओ। ओ का मतलब होता है यहां ओम से रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका प्रतीक होता है आर। मात्रक की यदि मैं बात करूं तो मात्रक होता है इसका ओम, और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि तीन प्रकार के अपने पास जो राशियां होती है उनकी गणना करने के लिए अपने को मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। मल्टीमीटर जो होता है इन तीनों राशि की गणना करता है। इन तीनों राशि की गणना के आधार पर ही इसको एवियोमीटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें बहुमापी मीटर, इसको क्यों बोलते हैं, तो बहुमापी का मतलब होता है कि इसके द्वारा एक साथ अनेक राशियां मापी जा सकती है, मतलब अनेक राशियां एक साथ मापी जाती है, एक साथ एक ही यंत्र से मापी जाती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुमापी यंत्र। तो देखो दोस्तों, एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं, मल्टीमीटर की बात चल रही है, अपना टॉपिक जो है आज का मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का अन्य नाम होता है एवोमीटर, इसके अलावा इसको भूमापी मीटर के नाम से भी जाना जाता है। एवोमीटर जो है उसका मतलब मैंने बता दिया कि इसके द्वारा तीन प्रकार की राशि की गणना की जाती है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इसलिए इस यंत्र को एवोमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में बहुमापी मीटर का मतलब ये होता है कि एक अनेक राशियों को एक साथ एक ही मीटर के द्वारा अगर मापा जाता है, ये एक ही यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो
उस यंत्र को बहुमापी मीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखो इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना जो होती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो दोस्तों, ये मल्टीमीटर जो होता है एक प्रकार का मूविंग कॉयल यंत्र होता है। मल्टीमीटर जो होता है एक प्रकार का कौन सा यंत्र होता है? अपना मूविंग कॉयल यंत्र। संरचना की बात कर रहे हैं तो संरचना में देखो, मूविंग कॉयल प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है, और इसकी रेंज रखी जाती है, वो रखी जाती है 0 से लेकर 250 माइक्रो एम्पियर तक की। इसकी जो रेंज होती है होती है 0 से लेकर 250 माइक्रो एम्पियर। अब देखो यहां पर अपने ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है, ठीक है, मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है, इसकी रेंज अधिक रख दी गई है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस मान जो है उसको अधिक रखा जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मान अधिक होगा इसका मतलब यहां पर कॉइल जो स्थापित की जाएगी, कॉइल जो स्थापित की जाएगी उसमें टर्नों की संख्या जो रहेगी वो भी अधिक रहेगी, और टर्नों की संख्या जो अधिक रहेगी तो इसके द्वारा जो वोल्टेज की गणना की जाएगी वो भी अधिक वोल्टेज तक की जाएगी। तो इस सीमा में रखने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो इस रेंज में रखने से अधिक वोल्टेज की आसानी से गणना हो सकती है, अधिक वोल्टेज की गणना आसानी से की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जब करंट का मान बहुत कम होता है तो उस स्थिति में इस यंत्र का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका मान क्या रहेगा, अधिक। तो रेजिस्टेंस मान जो होगा रेजिस्टेंस मान अधिक मापा जा सकता है। ठीक है, और करंट कैपेसिटी जो है वो इसकी निम्नतम मान तक की ही मापी जा सकती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि निम्न मान की करंट रेटिंग की गणना, निम्न मान की करंट की गणना। ठीक है, तो यहां अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि संरचना जब बनाते हैं तो उसमें मूविंग कॉइल प्रकार के यंत्र लेते हैं जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 250 माइक्रो एम्पियर तक की, और ये रेंज रखने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज का मान होगा वो अधिक वोल्टेज की गणना आसानी से इस यंत्र के द्वारा की जा सकेगी। रेजिस्टेंस मान इसका अधिक होगा क्योंकि करंट कैपेसिटी कम रहेगी, तो वहां पर कॉइल की अगर बात करो तो कॉइल में टर्न की संख्या अधिक रहेगी तो रेजिस्टेंस मान अधिक रहेगा, और रेजिस्टेंस मान अधिक रहेगा तो वहां पर अधिक मान तक के रेजिस्टेंस की गणना आसानी से की जा सकेगी, निम्न मान की करंट की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, जब वोल्टेज की गणना करते हैं तो इस यंत्र का प्रयोग, जब वोल्टेज की गणना करते हैं तो इस यंत्र का प्रयोग एज इस समानांतर क्रम में करते हैं, समानांतर क्रम में लगा करके करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि करंट की गणना करते हैं तो इस यंत्र को श्रेणी संयोजन में लगा करके, उस श्रेणी क्रम में लगा करके फिर करंट की गणना की जाती है। इसके अलावा यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखो, रेजिस्टेंस की गणना जब भी किसी भी चालक की जाएगी या किसी चालक छड़ के रेजिस्टेंस की गणना की जाएगी तो उस दौरान इस यंत्र को सप्लाई सोर्स से अलग रखा जाता है। अलग रखने का कारण यह होता है कि इसी यंत्र के अंदर एक बैटरी संयोजित होती है, एक बैटरी संयोजित होती है, तो बैटरी संयोजित होने के कारण, बैटरी संयोजन होने के कारण यंत्र को सप्लाई सोर्स से अलग करते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी वोल्टेज की गणना की जाए तो वोल्टेज की जब गणना करो तो किसी यंत्र को समांतर क्रम में संयोजित करेंगी, करंट की गणना करेंगी तो उस दौरान इस यंत्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगी,
और जब रेजिस्टेंस की गणना करेंगे तो दोनों में जो मोस्टली चीज है वो अपने को ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक बैटरी संयोजित होती है, वो बैटरी संयोजन होने के कारण इस यंत्र को सप्लाई सोर्स से हमेशा अलग करके ही चालक का रेजिस्टेंस मापा जा सकता है। तो एक अपना मल्टीमीटर जो होता है वो नॉर्मली इस प्रकार से बना होता है, उसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार से बनी होती है, इन राशियों की उसके द्वारा गणना की जाती है। अब यहां पर बात करते हैं कि मल्टीमीटर जो होता है उसके द्वारा इन तीनों प्रकार की राशि को मापने के लिए ऐसा कोई ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है, क्या ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है कि जिसके द्वारा इन तीनों प्रकार की राशियों की गणना एक ही यंत्र के द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मल्टीमीटर जो होता है अपना उसके अंदर एक रोटरी स्विच लगा होता है, एक घूर्णीय स्विच लगा होता है, इसको निम्न भाषा में क्या बोलते हैं, रोटरी स्विच को, घूर्णीय स्विच। देखो इसके अंदर एक रोटरी स्विच होता है, रोटरी स्विच बोल दो, घूर्णीय स्विच बोल दो, यस सिलेक्टर स्विच बोल दो, सिलेक्टर स्विच ये लगा होता है जो ठीक मीटर के अपने बीच में लगा होता है। इस स्विच को घुमा करके ही हम मल्टीमीटर पे जो करंट गणना है उसकी गणना कर सकते हैं, वोल्टेज जो है उसकी गणना कर सकते हैं, अपना जो रेजिस्टेंस है उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई वी और आर इन तीनों राशियों की गणना इस रोटरी स्विच को घुमा करके आसानी से कर सकते हैं। भाई यदि अपने को करंट नापनी है तो करंट की जो रेंज लिखी हुई है, करंट की जो सीमा निर्धारित की गई है, उस पे इस रोटरी स्विच को रख करके या इसको सुनिश्चित करके उसके द्वारा करंट की गणना कर सकते हैं। वोल्टेज यदि अपने को नापनी है तो रोटरी स्विच को घुमा करके वोल्टेज पे सेट करके हम लोग इसके द्वारा वोल्टेज की गणना कर सकते हैं। और यदि अपने को रेजिस्टेंस की गणना करनी है तो सिलेक्टर स्विच है, घूर्णी स्विच है, रोटरी स्विच जो होता है उसको ओममीटर की जो रेंज है उस पे एडजस्ट करके हम लोग इसके द्वारा रेजिस्टेंस की गणना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मल्टीमीटर अपना नॉर्मली कितने प्रकार का होता है। तो मल्टीमीटर की बात करूं तो यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है अपना एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा होता है अपना डिजिटल। पहला होता है अपना एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा होता है अपना डिजिटल मल्टीमीटर। अब बात करते हैं इन दोनों मीटरों की कि ये दोनों होते क्या है। जब मल्टीमीटर की ही बात करें तो मल्टीमीटर के द्वारा तीन प्रकार की राशियों की गणना की जाती है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीन राशि की गणना की जाती है। जब मल्टीमीटर एनालॉग के द्वारा यदि उन राशियों की गणना की जाए की जा सकती है तो अपने डिजिटल मल्टीमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि इनमें कुछ अंतर होता है कि नहीं होता, मान जो आता है वो सटीकता के साथ कौन से मीटर के अंदर आता है, कौन सा मीटर ऐसा है जो सही यथार्थ माप जो होती है उसकी गणना करता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एनालॉग मल्टीमीटर की। तो एनालॉग मल्टीमीटर क्या होता है, तो देखो दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर जो होता है ये बहुमापी यंत्र होता है। इसके द्वारा अपने को तीन राशियों की गणना करनी होती है, मतलब मैं कहूं वोल्टेज, करंट एवं प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट एवं प्रतिरोध की गणना करने के लिए
मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज तो अपने को ध्यान रखनी है कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, इनकी गणना करने के लिए अपने को मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है, मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में देखो एनालॉग मल्टीमीटर, इसके बाद में कि इन तीनों राशियों में जो मान होता है वो इस एनालॉग मल्टीमीटर में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि इस एनालॉग मल्टीमीटर में एक पूर्वांकित पैमाना होता है, एक पूर्वांकित पैमाने पर, एक पूर्वांकित पैमाने पर वैद्युतिक राशियों की गणना करने वाला यंत्र एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर कहलाता है। ठीक है, देखो मल्टीमीटर जो होता है उसके द्वारा वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध की गणना की जाती है, जो राशियां होती है इनकी गणना की जाती है। अब इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि एनालॉग मल्टीमीटर जो होता है ये बोलते किसको है। तो देखो एक पूर्वांकित पैमाने पर वैद्युतिक राशियों की गणना करने वाला यंत्र एनालॉग मल्टीमीटर कहलाता है। मतलब एनालॉग मल्टीमीटर की यदि मैं बात करूं, अगर इस मीटर को हम देखें तो इसके ऊपर एक पूर्वांकित पैमाना बना होता है, स्केल बनी होती है, उस स्केल पर इन तीनों राशियों को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, और एक संकेतक लगा होता है, उस संकेतक के द्वारा इन तीनों राशियों को वहां पर मापा जाता है। अगर इसकी संरचना की हम बात करें तो इसकी संरचना आप लोगों को बताता हूं किस प्रकार से बनी होती है, इसका ब्लॉक डायग्राम होता है वो किस तरीके से बना होता है। चलो अभी अपना टॉपिक चल रहा था एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर में इसका जो ब्लॉक डायग्राम है अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एनालॉग मल्टीमीटर की बात करूं तो इस मल्टीमीटर के द्वारा तीन प्रकार के राशियों की गणना की जाती है, धारा, ठीक है, वोल्टेज और अपना प्रतिरोध। तीन प्रकार की राशियों की गणना करते हैं, तीनों प्रकार की राशियों की जो गणना करते हैं वो गणना करने के लिए इस यंत्र में क्या क्या विशेषताएं होती है कि जब इसको एसी धारा देंगे तो ये किस प्रकार से काम करेगा, डीसी धारा देंगे तो वो किस प्रकार से काम करेगा, वोल्टेज एसी की देंगे तो किस प्रकार से काम करेगा, डीसी की वोल्टेज देंगे तो किस प्रकार से काम करेगा, और प्रतिरोध यदि अपने को मापना है तो उस दौरान ये किस प्रकार से कार्य करेगा। तो इन चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो ये कि यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है जो एनालॉग मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसके अनुसार देखो जब हम लोग इस मल्टीमीटर के द्वारा, यदि एसी धारा की गणना करते हैं तो उस दौरान इनपुट में हम लोग एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इनपुट में एसी सप्लाई जो दे रहे हैं उसकी गणना करने के लिए जब इस यंत्र का उपयोग किया जाए करेंगे तो उस दौरान पहली शर्त तो अपने को ये ध्यान रखनी है, पहली बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि इस यंत्र का जो संयोजन बनाएंगे वो एसी श्रेणी क्रम में बनाएंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जब संयोजन बनाते हैं तो उस दौरान ये यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से उसकी गणना करता है। तो देखो पहली चीज, जब हम लोग इस मल्टीमीटर को देखते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार की रेंज लिखी होती है, अलग अलग करंट रेटिंग लिखी होती है। ठीक है, 10 एम्पियर भी होती है, 5 एम्पियर भी होती है, 8 एम्पियर भी होती है, उससे कम भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से रेंज लिखी होती है, उस रेंज को मापने के लिए ये यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो जब हम लोग इसको एसी सप्लाई देंगे तो उस दौरान इस यंत्र के अंदर एक सीटी ट्रांसफार्मर लगा रहेगा जिसके द्वारा करंट कैपेसिटी जो होगी उसको थोड़ा डाउन किया जाएगा, वोल्टेज मान में थोड़ी वृद्धि कर दी जाएगी। करंट मान जब कम होगा तो वहां उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डायोड परिपथ बना होगा जो इस आने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में इसमें अलग अलग प्रकार की जो माप सीमा होती है, अलग अलग रेंज की जो माप सीमा होगी करंट की, उसकी गणना करने के लिए एक संक जाल क्रम बना रहेगा जिससे कि द्वारा रेजिस्टेंस मान को कम या ज्यादा करके करंट मान को कम ज्यादा किया जाएगा। उसके बाद में फिर ये संकेतक जो होगा ये अपना मान रिप्रेजेंट करेगा।
तो इस प्रकार से जब हम लोग एज सप्लाई देंगे इनपुट के तौर पे, तो अपने को बाहर आउटपुट में जो एनालॉग मल्टीमीटर है उसका जो संकेत है वहां पर अपने को करंट रेटिंग की गणना प्राप्त होगी। ठीक है, करंट आसानी से प्राप्त हो जाएगी कि परिपथ में बहने वाली जो करंट है उसका मान है कितना है। उसके बाद में डीसी धारा यदि हम लोग देते हैं तो इस यंत्र के द्वारा डीसी प्रकार की धारा आसानी से नापी जा सकती है, क्योंकि मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होता है और मूविंग कॉइल ये प्रकार का यंत्र होने के कारण यहाँ पर केवल और केवल संट नेटवर्क ही बना हुआ रहेगा। अब संट नेटवर्क जो बना हुआ रहेगा वो इसलिए बना रहेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मान कम ज्यादा होगा तो करंट मान में भी कम ज्यादा, करंट मान जो होगा वो भी अपना कम ज्यादा हो जाएगा और जिस हिसाब से परिपथ के अंदर करंट बह रही होगी वो अपने को इस पैमाने पर प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज के लिए देखो एसी प्रकार की वोल्टेज और डीसी प्रकार की वोल्टेज दोनों को आसानी से मापा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि वोल्टेज मान में कम ज्यादा, यदि वोल्टेज मान अधिक आ रहा है तो यहाँ पर एक गुणक परिपथ लगा होता है, गुणक नेटवर्क लगा होता है कि एक निश्चित अनुपात बनाया जाता है कि यदि इतनी वोल्टेज अपने को प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब यहाँ अगर उस पर गुणक लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लायर लिखा हुआ है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके उसकी एग्जैक्ट वोल्टेज का पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद में देखो ये गुणक नेटवर्क परिपथ जो बना होता है उसके बाद में एक सिलेक्टर स्विच होता है जिसके द्वारा एसी और डीसी दोनों अलग अलग वोल्टेज जो आती है उनकी गणना आसानी से कर सकते हैं। अब एसी की अगर मैं बात करूं तो एसी के लिए, एसी वोल्टेज के मापन के लिए एसी सप्लाई जो रहेगी उसके मापन के लिए इस एसी वोल्टेज के साथ एक दृष्टकारी परिपथ लगा हुआ रहेगा जो इस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद में अपना एनालॉग मल्टीमीटर जो होगा वो अपने को उस वोल्टेज की कैलकुलेशन बताएगा। ठीक है, और यदि डीसी की मैं बात करूं तो डीसी यहां पर सीधे डायरेक्ट बिना किसी दृष्टकारी की सहायता से सीधी अपने को पैमाने के ऊपर प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद में बात करें कि इसके द्वारा इनपुट जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की जब गणना करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ अपने को विशेष तौर पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इस मल्टीमीटर के द्वारा प्रतिरोध की गणना की जाए तो पहली शर्त तो यही रहेगी कि इस परिपथ को, इस परिपथ को या इस मल्टीमीटर को जो परिपथ बना हुआ है, जो सप्लाई सोर्स जो बना हुआ है, पहले तो उससे पृथक्कृत कर दो, क्योंकि पृथक्कृत करने का फायदा ये रहेगा कि इसके अंदर खुद की अपनी एक बैटरी लगी होती है, तो उस बैटरी के द्वारा ये आसानी से प्रतिरोध जो होता है उसकी गणना कर सकता है। अब देखो प्रतिरोध की गणना करने के लिए परिपथ को हटाना क्यों जरूरी है, भाई सीधा कहा जाता है कि बैटरी जो होती है वो भी सप्लाई सोर्स से एक तरीके से बाहर से अगर आउटपुट में आप लोग उसको वोल्टेज, इनपुट में यदि आप लोग वोल्टेज दे रहे हो तो वहां पर भी उसको वोल्टेज प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो बाहरी वोल्टेज है उसका मान अधिक होता है, बैटरी जो होती है उसका वोल्टेज मान कम होता है, तो वहां पर बैटरी के जलने के चांस पूरे पूरे बन जाते हैं और हो सकता है अपना मल्टीमीटर जो होता है वो भी अपना जल जाए। तो इसको जलने से बचाने के लिए हमेशा जब भी प्रतिरोध की गणना के लिए इस मल्टीमीटर का उपयोग करें तो उस दौरान इसको परिपथ से अलग कर देना चाहिए। तो प्रतिरोध मापन के लिए जब इसको उपयोग करते हैं तो वहां पर एक बैटरी संयोजित होती है, बैटरी के साथ ही अपना जो ओम परिपथ होता है वो संयोजित रहता है, भाई कितनी करंट इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, कितनी वोल्टेज इसको मिल रही है, उन्हीं के आधार पर वहां पर रेजिस्टेंस की गणना हो जाती है। भाई मैं बताऊं कुल मिलाकर कहूं आप लोगों को, तो इसका मतलब एक तरीके से परिपथ के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है, अब यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, बैटरी की वजह से। करंट जो बहेगी वो किसकी वजह से बहेगी, इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो रेजिस्टेंस बराबर ओमिक परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर बराबर होता है अपॉन आई, तो इनके आधार पर, इनके रेशियो के आधार पर अपने को रेजिस्टेंस की गणना प्राप्त होगी, रेजिस्टेंस का मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपना एक एनालॉग मल्टीमीटर जो होता है वो इन वैद्युतिक राशियों की गणना करता है। ठीक है, और वैद्युतिक राशियों में जिन राशियों की गणना करता है वो दोबारा फिर बता रहा हूं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तीन प्रकार की राशियां होती है। ठीक है, तो ये था अपना ब्लॉक डायग्राम, अपने जो टॉपिक है एनालॉग मल्टीमीटर, ये उसका सर्किट डायग्राम होता है, ये अपना मल्टीमीटर जो होता है बाहर से जो उसको हम लोग देखते हैं तो अपने आपको किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इस मल्टीमीटर की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें बनी होती है। फर्स्ट इस पे एक ग्राफ पेपर से बना होता है जिसपे इसकी रेंज लिखी हुई रहती है, ये एक तरीके से स्केल होता है इसका। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है इसका स्केल। अब इस स्केल की बात करें तो यहां देखो अपने को ध्यान रखना है
तीन प्रकार की राशि की कैलकुलेशन होगी, पहली वोल्टेज की, दूसरी करंट की और तीसरा रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर जो पैमाने बने होते हैं वो तीन अलग अलग पैमाने बने होते हैं। पहला पैमाना जो इसका बना होता है वो बना होता है अपना डीसी वोल्टेज और करंट का, ठीक है, वोल्टेज का अलग है करंट का अलग। उसके बाद जो दूसरा पैमाना बना होता है वो अपना एसी वोल्टेज और करंट का बना होता है। तो ये अपना डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज और करंट का स्केल हो जाता है। उसके बाद में तीसरा जो स्केल होता है तो उसको देखते अपने को पता लग जाना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस का स्केल होगा। रेजिस्टेंस के स्केल के लिए देखो एक तरफ इन्फिनिटी लिखा रहेगा, एक तरफ जीरो लिखा रहेगा। तो दाएं तरफ की यदि मैं बात करूं तो दाएं तरफ इसमें जीरो रहेगा, बाएं तरफ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो यहाँ पर इनके संकेत चिन्ह बने होते हैं कि ये डीसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये एसी को रिप्रेजेंट करेगा और ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से भी इसके अंदर सिंबल बने हुए होते हैं। एसी के सिंबल की यदि मैं बात करूं तो एसी का सिंबल होता है अपना कुछ लहरदार सा साइन वेव जो होती है अपनी। डीसी की यदि मैं बात करूं तो डीसी जो है हमेशा सीधी दिशा में चलती है, तो इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और यदि रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो ओम के रूप में इस प्रकार बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर एक स्केल होती है, उस स्केल के अंदर पैमाना सारा बना होता है और इसी पैमाने पर अपने को पाठ्यांक को पढ़ना होता है। अब ये काम किस तरीके से करता है, किस प्रकार से इस पे अलग अलग राशियां जो होती है वो काउंट की जाती है, उनकी गणना की जाती है। तो देखो यहाँ पर एक बीच में रोटरी स्विच लगा होता है, ये अपना एक रोटरी स्विच होता है जिसको सिलेक्शन कंट्रोल नॉब स्विच के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ की यदि बात करूं तो इसके एक तरफ एसी का पैमाना लिखा रहेगा, एक तरफ डीसी का पैमाना लिखा रहेगा और साथ साथ इस पर रेजिस्टेंस जो है उसका मान भी लिखा हुआ रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की जाती है, जो मान ज्ञात किया जाता है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखो जब यदि हम लोग इन दोनों प्रॉप्स पे लीडो से संयोजित करते हैं और यदि अपने को वोल्टेज की गणना करनी है। अब वोल्टेज दो प्रकार की सप्लाई की होगी, एक एसी की होगी और एक डीसी की होगी। यदि अपने को डीसी की वोल्टेज की गणना करनी है तो उस दौरान यहाँ पर एक कॉमन सिरा रहेगा, ठीक है। यहां एक वोल्टेज के लिए रहेगा सिरा, एक करंट के लिए रहेगा और एक रेजिस्टेंस के लिए रहेगा। तीन प्रकार की राशियां होगी अलग अलग, तो तीन प्रकार की राशियां होगी तो यहाँ पर एक कॉमन सिरा रहेगा, एक वोल्टेज का रहेगा, एक अपना करंट का रहेगा और एक अपना रेजिस्टेंस का सिरा रहेगा। कुछ इस तरीके से उसका साचा जो बना हुआ रहता है। अब यहाँ की यदि मैं बात करूं, यदि अपने को एसी वोल्टेज नापनी है तो एक जो लीड है अपनी ब्लैक कलर की लीड होगी वो कॉमन लीड होगी, कॉमन लीड को ला करके हमेशा कॉमन सिरे के ऊपर संयोजित किया जाएगा। अब एसी की यदि वोल्टेज अपने को नापनी है तो एसी के सोर्स पर लगा दो, ठीक है। वोल्टेज यदि नापनी है तो यहाँ लगा दो, एसी की नापो चाहे डीसी की नापो। अगर वोल्टेज अपने को नापनी है तो यहाँ से संयोजित कर दो। करंट यदि नापनी है तो हो सकता है उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ जो जो प्रॉप्स जो बनी हुई है, प्रॉप जैक जो बना हुआ है, ठीक है, वो हो सकता है अपना करंट का हो। तो इस करंट जैक पे एक सिरा कॉमन पे और दूसरा करंट वाले जेक पे संयोजित करते हैं। और यदि अपने को रेजिस्टेंस की गणना करनी होती है तो एक कॉमन पे रहता है और एक अपना जो रेजिस्टेंस का जेक होता है उसके साथ संयोजित रहता है। अब यदि अपने को एसी की वोल्टेज नापनी है तो सिलेक्टर स्विच को घुमा करके एसी वोल्टेज के जो सीधे हैं वहां पर इसको संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है। करंट की यदि गणना करनी होती है तो करंट का जो पैमाना लिखा हुआ है उसके बराबर में ले जाकर के इस रोटरी स्विच को सेट कर दिया जाता है। डीसी की यदि नापनी होती है तो डीसी की वोल्टेज के साथ संयोजित कर देते हैं। और यदि डीसी की करंट अपने को नापनी होती है तो डीसी की करंट रेंज जो दे रखी है उसके साथ इसको संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है। और यदि रेजिस्टेंस की गणना करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो मान लिखा हुआ रहता है उसके साथ अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि एसी की करंट हम लोग नाप रहे हैं तो उस दौरान अपने को जो साइकिल एसी की बनी हुई है केवल और केवल उसी को ही देखना है, ठीक है। और यदि हम लोग डीसी की साइड डीसी की वोल्टेज नाप रहे हैं तो केवल और केवल डीसी की जो साइकिल बनी हुई है उसी को ही अपने को देखना है। और यदि रेजिस्टेंस की गणना हम लोग करते हैं तो जो भी मान यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा उस मान को अपने को इस गुणक के साथ गुणा करके एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये यंत्र कार्य करता है। अब यहाँ पर अपने को कुछ चीजें अवश्य ध्यान रखनी है। पहली, यदि हमारे को ये पता नहीं है कि आने वाले सप्लाई सोर्स की वोल्टेज कितनी है तो हमेशा उसकी जो अधिकतम वैल्यू है उस परास पे इस रोटरी स्विच को सेट करके
उसके द्वारा वोल्टेज की गणना करनी चाहिए। यदि यहाँ पर वोल्टेज की गणना यदि आप लोग कर रहे हो उस समय संकेतक जो लगा हुआ है यदि ये कुछ ही दूरी तक आगे जा रहा है तो इसका मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि ये दी जाने वाले वोल्टेज जहाँ हम लोगों ने इसकी प्रास या रेंज को सेट कर रखा है ये रेंज इस मीटर के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसका मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर अपने को इससे छोटी या कम वोल्टेज पर इसको एडजस्ट करना है। तो इस प्रकार से पहले अधिकतम वोल्टेज पर रखेंगे, धीरे 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 वोल्टेज जैसा इसका संकेतक उठेगा ऊपर की ओर जाएगा आगे की ओर गतिमान होगा उसी के आधार पर हम इसकी रेंज जो होगी उसको सेट कर सकेंगे। ठीक है, तो पहली चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कभी भी वोल्टेज को नापे तो निम्नतम मान पर वोल्टेज सेट, वोल्टेज की रेंज जो है उसको सेट नहीं करना चाहिए, अधिकतम मान पर उसको सेट करना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही सिचुएशन अपने को डीसी वोल्टेज यदि नाप रहे हैं तो डीसी वोल्टेज वैसे की वैसे सिचुएशन अपने को रखनी होती है। उसके बाद भी यदि मैं करंट की बात करूं तो करंट भी हमेशा अधिकतम मान के आधार पर ही नापनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद में कि जब रेजिस्टेंस की गणना करें तब अपने को इस मल्टीमीटर से संबंधित क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो उस समय अपने को इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि जब एक चालक तार में यदि हम लोग रेजिस्टेंस नाप रहे हैं तो उस दौरान अपने जो संयोजक सिरे हैं ये कभी भी सप्लाई सोर्स के साथ से विजित नहीं रहने चाहिए, इनको सप्लाई सोर्स से हमेशा पृथकृत कर देना चाहिए। पृथकृत करने के बाद में ओम मीटर की जो रेंज है उस पर सेट करके इसके द्वारा रेजिस्टेंस की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज और ध्यान रखनी है। पहली कि जब भी वोल्टेज की गणना इस यंत्र के द्वारा की जाए तो इस यंत्र का संयोजन हमेशा परिपथ के साथ समांतर क्रम में ही करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलती से हम लोगों ने चेक नहीं किया हो और इसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, अगर इसको आप लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हो तो दौरान वहां पर परिपथ की पूरी पूरी वोल्टेज को ये उपकरण ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति यदि आप लोग करंट की कैलकुलेशन करते हैं तो करंट की कैलकुलेशन करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से एम्पियर मीटर होता है उसका संयोजन बनाया जाता है सेम उसी प्रकार से इस मल्टीमीटर का भी संयोजन अपने को परिपथ के साथ बनाना होगा। तो यहाँ इसका प्रयोग यदि करंट मापन के लिए किया जाएगा तो उस दौरान इस यंत्र को एज ए श्रेणी क्रम में जोड़ करके प्रयोग में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन मुख्य बातें होती है जो अपने को इस यंत्र से संबंधित ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो ये था अपना एनालॉग मल्टीमीटर। तो इस प्रकार से करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों प्रकार की राशियों की गणना इसके द्वारा की जाती है। देखो अपना अगला टॉपिक रहेगा मल्टीमीटर जो चल रहा है उसमें डिजिटल मल्टीमीटर। देखो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है मल्टीमीटर चल रहा है, मल्टीमीटर में हम लोगों ने एनालॉग मल्टीमीटर पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। तो देखो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आजकल जितनी भी गाड़ियां वगैरह आ रही है, ऑटोमोबाइल जितने भी आ रहे हैं सबके अंदर डिजिटल डिस्प्ले आ रही है। उस डिजिटल डिस्प्ले में अपने को अंकों जो अंक होते हैं वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाते हैं। तो वैसा ही अपना एक मल्टीमीटर होता है जो अपने को यथार्थता के साथ पूरा मान रिप्रेजेंट करके देता है। अब देखो कि डिजिटल मल्टीमीटर जब होगा वो काम किस तरीके से करेगा। तो देखो डिजिटल मल्टीमीटर कहेंगे किसको, तो इसकी परिभाषा रहेगी डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा मापक यंत्र है के द्वारा वोल्टेज करंट एवं रेजिस्टेंस इत्यादि का एक LCD डिस्प्ले पर यथार्थता के साथ प्रदान
देखो डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा वोल्टेज, करंट एवं रेजिस्टेंस इत्यादि का मान एक एलसीडी डिस्प्ले पर यथार्थता के साथ प्रदान होता है। ठीक है, ठीक है। एनालॉग मल्टीमीटर जो होता है उसके अंदर एक पूर्णांकित पैमाना बना होता है, संकेतक लगा होता है, फिर वहां से उसका मान अपने को पता करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है इसके द्वारा अपने को जो भी मान प्राप्त होता है वो यथार्थता के साथ एक एलसीडी डिस्प्ले होती है, स्क्रीन होती है, उसके ऊपर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इस मल्टीमीटर की खास विशेषता ये रहती है, ये एक तो आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, ठीक है, वजन में हल्का होता है, ठीक है, मान जो होता है वो यथार्थ प्राप्त होता है, यथार्थ का मतलब सही, एग्जैक्ट मान, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है वो आकार में छोटा होता है, वजन में हल्का होता है, मान जो होता है वो यथार्थ प्राप्त होता है, मतलब सही और एग्जैक्ट मान प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो मान है यथार्थ के साथ तो प्राप्त होगा ही होगा, और ये मान जो अपने को प्राप्त होगा ये सीधा डायरेक्ट अपने को अंकों के रूप में प्राप्त होगा। तो मान जो होगा वो अंकों के रूप में प्राप्त, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना इससे संबंधित कि डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसके द्वारा डायरेक्ट जो भी मान होगा वो अपने को यथार्थता के साथ एलसीडी डिस्प्ले में प्राप्त होगा, और डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है वो आकार में हल्का होता है, उसके आकार में छोटा होता है, वजन में हल्का होता है, मान यथार्थता के साथ प्राप्त होता है, ठीक है, और अंकों के रूप में अपने को मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि एक डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसमें मुख्य रूप से नियंत्रण करने वाले भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला अगर इसकी बात करें तो देखो नियंत्रण युक्तियों की बात करते हैं मीटर के नियंत्रण भागों की। तो मीटर के नियंत्रण भाग देखो, मीटर के नियंत्रण भाग पहला इसमें पावर स्विच, ठीक है, पहला होता है इसमें कौन सा स्विच, पावर स्विच। तो पहली चीज जब तक मीटर चालू नहीं होगा तब तक इसके द्वारा किसी प्रकार की रीडिंग नहीं ली जाएगी। तो स्टार्टिंग के समय इसके अंदर एक पावर स्विच लगा होता है जिसको जिसके द्वारा इस मीटर को ऑन तथा ऑफ करने का कार्य किया जाता है। तो पावर स्विच जो रहता है मीटर को ऑन व ऑफ करने के काम में आता है, ठीक है, याद रहेगा अपने को। दूसरा जो होता है अपना वो होता है इसमें सिलेक्टर स्विच, दूसरा जो होता है अपना सेलेक्ट स्विच, प्रकार का पुश बटन होता है। ये एक प्रकार का कौन सा बटन होता है, पुश बटन, ठीक है, जिसको हम लोग दबाते हैं। तो एक बार दबाएंगे तो अपने को ऐसी प्रकार की राशि है उनका मापन प्राप्त होगा, अगली बार जब इसको दबाएंगे तो उस समय अपने को डीसी राशि जो रहेगी उनका मापन प्राप्त होगा। तो पुश बटन होता है जब एक बार दबाएंगे, एक बार दबाने पर ऐसी राशि प्राप्त होगी, ऐसी राशियों की गणना होगी, ऐसी राशियों की गणना, ठीक है। तो इस स्थिति में ये पुश बटन जो रहेगा, ये पुश बटन जो रहेगा ये अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, और दूसरी स्थिति में जब दोबारा दबाएंगे
दोबारा दबाने पर डीसी राशि की गणना करेगा, डीसी राशि की गणना करेगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब इसको दोबारा दबाया जाएगा तब ये डीसी राशि की गणना करेगा, तो इस समय ये पुश बटन जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ ये कुछ उभरा होगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो इसका तीसरा जो नियंत्रण पॉइंट होता है वो होता है उसका रेंज। तो रेंज जो है इसका विस्तार, तो रेंज जो है वो रेंज रोटरी स्विच जो लगा होता है, रेंज जो है वो रोटरी स्विच के द्वारा निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती, ठीक है। तो ये तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है, पहला पावर स्विच, दूसरा सिलेक्टर स्विच और तीसरा होता है इसमें रेंज जो होती है वो रोटरी स्विच के द्वारा निर्धारित की जाती है। चौथा जो इसका नियंत्रक भाग है वो होता है होल्ड स्विच। तो आप लोगों ने देखा होगा जब डिजिटल मल्टीमीटर हम लोग काम में लेते हैं तो उसके साइड में एक बटन सा आता है, उस बटन को जब दबाते हैं तो इस मीटर के द्वारा जो भी पाठ्यांक लिया गया है वो पाठ्यांक एक जगह स्थिर हो जाता है, उसको हम लोग दूर ले जा परिपथ से विच्छेद करके भी आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होल्ड जो होता है वो उसके द्वारा मुख्य रूप से होल्डिंग स्विच के द्वारा होल्डिंग स्विच के द्वारा मीटर के मान को स्थिर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इसमें एक रोटरी सिलेक्टर, जो रेंज होती है तो रोटरी स्विच के द्वारा इसके मान को निर्धारित किया जाता है, वैसे अपना रोटरी स्विच जो होता है वो भी सेम इसी जो रेंज रहती है उसका जो मान रहता है, भाई वोल्टेज में सेट कर रहे हो या करंट में सेट कर रहे हो, एसी वोल्टेज सेट कर रहे हो, डीसी की वोल्टेज सेट कर रहे हो, करंट किसके ले रहे हो, एसी की ले रहे हो कि डीसी उपकरणों की ले रहे हो, ठीक है, प्रतिरोध जो है उसका मान ले रहे हो या किसका मान ले रहे हो, तो जो भी अपने पास भौतिक राशियां होती है उनका मान निश्चित करने के लिए, उनका मान अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए रोटरी स्विच की आवश्यकता होती है। तो ये एक तरीके से रोटरी सिलेक्टर होता है। तो अगला है अपना जो नियंत्रक भाग है वो है रोटरी सिलेक्टर। रोटरी सिलेक्टर जो होता है वो भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को सेलेक्ट करता है। अब भौतिक राशियां कौन कौन सी, तो भौतिक राशियों की ध्यान रखना अपनी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की राशियां होती है, भौतिक राशियां जो होती है उनको सेलेक्ट करने का कार्य करता है जो अपना सिलेक्टर रोटरी सिलेक्टर कहलाता है, और भौतिक राशि जो है अपनी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद हम बात करें तो लास्ट एंड फाइनल जो होता है वो इसको होता है इसमें जैक। भाई बिना जैक के हम लोग इनके द्वारा किसी प्रकार की राशि की गणना नहीं कर सकते, तो इसके अंदर लगे होते हैं जैक्स। ठीक है, अब जैक्स जो लगे होते हैं वो देखो चार जैक लगे होते हैं इसमें, चार जैक की यदि मैं बात करूं तो पहला होता है कॉमन का जो सभी के लिए उभयनिष्ठ रहता है, सब प्रकार की राशियों की गणना करने के लिए काम में आता जाता है, तो सभी राशियों की गणना करने के लिए कॉमन, सभी राशियों की गणना करने के लिए उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है वोल्टेज का, ठीक है। तो वोल्टेज का जेक जो होता है वो वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए काम करता है,
वोल्टेज कैलकुलेशन में उपयोग। ठीक है, तीसरा जेड जो होता है करंट का होता है, तो इसके द्वारा केवल और केवल करंट कैलकुलेशन है की जाती है। और चौथा जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस का, मतलब प्रतिरोध मापन का। तो ये केवल और केवल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए ही काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये चार प्रकार के जेक लगे होते हैं, कॉमन होता है, एक वोल्टेज के लिए होता है, करंट के लिए होता है, और एक रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो यहां जो इसका मान है वो भी लिखा होता है ये, कि ये कॉमन का है, ये वोल्टेज का है, या ये करंट का है, या फिर ये रेजिस्टेंस के लिए है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। देखो अपना टॉपिक था मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में हम लोगों ने एनालॉग जो मल्टीमीटर था उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लॉक डायग्राम की, किस प्रकार से इसके द्वारा राशि की गणना की जाती है। तो देखो मुख्य रूप से इसके द्वारा पांच प्रकार की राशि की गणना की जाती है। रेजिस्टेंस होता है, एसी की वोल्टेज होती है, एसी की धारा होती है, डीसी की धारा होती है, और डीसी की वोल्टेज होती है। इन पांचों राशियों की गणना करने के लिए इस यंत्र में बफर एम्पलीफायर सिस्टम लगा होता है। अगर बफर एम्पलीफायर सिस्टम की बात करें, बफर एम्पलीफायर सिस्टम की यदि हम लोग बात करते हैं, तो देखो जैसे एनालॉग मल्टीमीटर में उसका गुणक आता था, गुणक के तौर पर मैं बात करूं कि इंटू में 1000, इंटू में 100, इंटू 10, इंटू 1, तो ये गुणक होता था जो संकेतक के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दर्शाई जाती थी उस वैल्यू को हम लोग इस गुणक के द्वारा गुणा करके उसका एग्जैक्ट मान बताते थे। अब यहाँ पर इस मल्टीमीटर में ऐसा सिस्टम है कि ये जब हम लोग रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए इसका उपयोग करेंगे तो एक एम्पलीफायर सिस्टम लगा होता है, वो एम्पलीफायर सिस्टम डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू जो होगी एग्जैक्ट में कितनी आ रही है इस मल्टीप्लायर की भांति काम करके एग्जैक्ट अपने को जो उसकी वैल्यू होगी वो एक एलसीडी डिस्प्ले जो लगी रहेगी उस पर अपने को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करें एसी वोल्टेज की, तो एसी वोल्टेज की गणना करने के लिए जब इसका प्रयोग करेंगे तो देखो एसी वोल्टेज के तौर पर जब हम लोग इनपुट के तौर पर एसी वोल्टेज देंगे तो उस दौरान इस मीटर के द्वारा एक कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर लगा होता है जिसके द्वारा को जितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यदि आवश्यकता से अधिक वोल्टेज के अंदर पहुंचती है तो उस दौरान उसको कंट्रोल करके आगे डिस्टकार या रेक्टिफायर जो परिपथ लगा होता है उसको ट्रांसफर करता है और ये वोल्टेज को कंट्रोल करके आगे भेजेगा। तो यहाँ पर ये लगा हुआ जो अपना डायोड परिपथ है इस डायोड परिपथ के द्वारा एसी वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट होकर सीधे अपने को एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर प्राप्त हो जाएगी। वो अब देखो यहाँ पर बात यह आती है कि दृष्टिकारी परिपथ जो होता है ये इसके अंदर लगा हुआ क्यों होता है। तो सबसे बड़ी चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि इस यंत्र के द्वारा जो पैमाना दर्शाया जाएगा, जो डिजिटल डिस्प्ले होगी, वो डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर केवल और केवल डीसी सप्लाई पर ही कार्यरत होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो एसी वोल्टेज आएगी उस एसी वोल्टेज को इस डिस्प्ले पर दिखाने के लिए यहाँ पर जो रेक्टिफायर परिपथ है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यदि एसी की धारा हम लोग नापते हैं तो यहाँ पर एनालॉग मल्टीमीटर में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर एक सीटी ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं जो करंट कैपेसिटी को घटा करके वोल्टेज मान में वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर लगा होता है जो धारा से डायरेक्ट वोल्टेज मान में उसको परिवर्तित करेगा। कहने का मतलब जो अतिरिक्त धारा, जो बढ़ी हुई धारा आ रही है उसको कंट्रोल करेगा और वोल्टेज मान में वृद्धि करके एम्पलीफायर परिपथ, जो अपना रेक्टिफायर परिपथ है उसको प्रदान करेगा। और जैसे इसको प्रदान करेगा उसके बाद में अपने डिजिटल डिस्प्ले जो है वहां पर उसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब डीसी धारा की यदि मैं बात करूं तो डीसी धारा में धारा का मान अधिक रहेगा तो उस दौरान अपने को रेक्टिफायर परिपथ की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये केवल और केवल डीसी धारा जो होगी वो सीधा डायरेक्ट अपने को यहाँ जो परिवर्तक लगा हुआ है, जो कन्वर्टर लगा हुआ है, इसके द्वारा धारा के मान में कमी करके वोल्टेज मान वृद्धि करके ये अपने को डायरेक्ट ही उसका मान जो रहेगा वो सीधा डायरेक्ट डिस्प्ले जो लगी रहेगी उसके ऊपर निरूपित कर देगा। वैसी सिचुएशन जैसे एसी वोल्टेज की थी वैसी सिचुएशन यहाँ डीसी वोल्टेज की होगी। डीसी वोल्टेज जो है उसको समायोजनी वोल्टेज में परिवर्तित करके ये भी अपने को डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले जो है उसके ऊपर उसका मान रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है,
अब इनका अलग अलग मान यदि हम लोग देखे कि एसी वोल्टेज अपने को चेक करनी है, एसी धारा अपने को देखनी है या डीसी धारा अपने को देखनी है, डीसी वोल्टेज अपने को देखनी है, तो उस दौरान यहाँ पर जो रोटरी स्विच लगा रहेगा तो ये एक तरीके से सिलेक्टर स्विच है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है सिलेक्टर स्विच। तो यहां से अपने को इसका मान एडजस्ट करना होगा और यहीं से ही अपन इसकी वोल्टेज रेजिस्टेंस करंट और जो अलग अलग वोल्टेज है अलग अलग जो धारा है अपने को जो रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना डिजिटल मल्टीमीटर होगा वो कार्यरत हो। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीमीटर की विशेषताओं की, मल्टीमीटर जो होता है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, चाहे मल्टीमीटर एनालॉग प्रकार का हो चाहे मल्टीमीटर डिजिटल प्रकार का हो। तो पहली विशेषता जो है वो अपने को ध्यान रखनी है, मल्टीमीटर की विशेषता है। तो पहली मल्टीमीटर की विशेषता जो यही होती है कि इसके द्वारा वोल्टेज की कैलकुलेशन की जाती है। वोल्टेज की कैलकुलेशन के लिए जब आप लोग मल्टीमीटर का उपयोग करते हो तो उसकी सुग्राह्यता का अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। तो एक मल्टीमीटर जो होता है उसकी सुग्राह्यता 20 किलो ओम से 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होनी चाहिए। तो पहला तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर की सुग्राह्यता, मल्टीमीटर की सुग्राह्यता 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए। और दूसरा आपने को ये ध्यान रखना है कि कई मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिनकी माप सीमा बहुत कम होती है, ठीक है, तो उनकी माप सीमा बढ़ाने के लिए इसमें संट गुणक या संट प्रतिरोधक लगे होने चाहिए, ठीक है। तो उसके द्वारा हम लोग अधिक मान की जो करंट रेटिंग आ रही है, करंट जो आ रही है उसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सके। दूसरा आपने को ये ध्यान रखना है कि अनेक जो मल्टीमीटर होते हैं उनके अंदर 0 से 10 एम्पियर तक की डीसी करंट जो होती है उसकी माप सीमा 0 से 10 एम्पियर तक की माप सीमा जो होती है उसको मापा जाता है। अगर इससे अधिक अपने को मापनी है तो वहां पर संट रेजिस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो संट रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं उसका मान बहुत निम्न होना चाहिए। तो दूसरी विशेषता ये है कुछ मल्टीमीटर 0 से 10 एम्पियर डीसी के मापन में उपयोगी होते हैं। इससे अधिक करंट मापन के लिए निम्न मान के संट का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं होती है। इसके बाद में देखो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये मल्टीमीटर जो होते हैं ये मूविंग कॉयल प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मूविंग कॉयल प्रकार के होने के कारण बिना दृष्टकारी की सहायता के मूविंग कॉइल प्रकार के होने के कारण बिना दृष्टकारी की सहायता के यह एसी करंट की गणना नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर यह चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि मूविंग कॉइल प्रकार के होने के कारण बिना दृष्टकारी के मतलब बिना डायोड परिपथ के इसके द्वारा करंट एसी करंट जो आते हैं उसकी गणना
नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि अपने को एसी करंट की गणना करनी होगी तो वहां पर इसके लिए इसके साथ परिवर्तन अपने को दृष्टि करने की भी आवश्यकता होगी। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब अपने को सावधानियों के बारे में ध्यान रखना है, तो सावधानियां बता देता हूं आप लोगों को कि जब भी मल्टीमीटर का उपयोग करें तो हम लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी तो अपने को ये रखनी है कि जब प्रतिरोध का मापन करते समय मीटर को परिपथ से सप्लाई सोर्स परिपथ से अलग कर देना चाहिए। तो पहली सावधानी जो अपने को रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी इस मल्टीमीटर का प्रयोग प्रतिरोध मापन के लिए करें तो उस समय मीटर को सप्लाई सोर्स परिपथ से अलग कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरी सावधानी अपने को ये ध्यान रखनी है कि भाई डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के अंदर तो शून्य समायोजक पेज नहीं होता, लेकिन एनालॉग की यदि हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर शून्य समायोजक पेज होता है। तो यदि मल्टीमीटर के द्वारा जो मान दर्शाया जा रहा है तो मान जब भी चेक करते हैं तो मापन किसी भी प्रकार की राशि का मापन करने से पहले अपने को उसका संकेतक जो है उसको अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि संकेतक जीरो पे एडजस्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर जीरो पे एडजस्ट नहीं है तो उसके अंदर जो जीरो एडजस्ट स्विच लगा होता है उसके द्वारा उस संकेतक को जीरो पे एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरी सावधानी जो अपने को रखनी है वो ये रखनी है कि मीटर जो है मल्टीमीटर का संकेतक मापन से पहले सुनने पर समझिए तो ठीक है। तीसरा जो अपने को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब इसका उपयोग करें, यदि हम लोग मल्टीमीटर का उपयोग करंट कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं या फिर वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं तो उस समय उसकी रेंज अधिकतम रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने को पता नहीं होता कि परिपथ के अंदर वोल्टेज जो आ रही है उसका मान कितना है, परिपथ के अंदर आने वाले जो करंट है उसका मान है कितना है। तो यहां अपने को तीसरी जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि धारा और वोल्टेज मापन समय मल्टीमीटर की रेंज अधिकतम होनी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब मल्टीमीटर का प्रयोग करें तो सावधानी क्या रखें। पहला, प्रतिरोध मापन के समय मीटर जो है उसको सप्लाई सोर्स से अलग कर देना चाहिए। मल्टीमीटर का जो संकेतक है उसको मापन से पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो जीरो पे एडजस्ट है कि नहीं है या उसमें कोई त्रुटि तो उत्पन्न नहीं हो गई है, ठीक है। तीसरा जो है वो धारा और वोल्टेज मापन करते समय इसकी रेंज जो है वो अधिकतम पर रहनी चाहिए। तो ये था अपना आज का टॉपिक मल्टीमीटर। तो सभी ध्यान से देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को इसका नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्दी प्राप्त हो, ठीक है। धन्यवाद।